उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुरकाजी बाईपास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात में जा रही कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में कार में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल ये पूरा मामला पुरकाजी बाईपास का है, जहां गांव दीदाहेड़ी निवासी सागर ने बेटे की बारात लेकर कार में सवार होकर हिमाचल के जिला कांगड़ा के गांव रसूलपुर में जा रहे थे। शादी को लेकर घर में खुशी का माहौल था, लेकिन शायद ये किसी को मालूम नहीं था कि ये खुशी चंद मिनटों की है। बता दें कि बारात की कार पुरकाजी बाईपास पर अचानक से सामने आए एक्टिवा सवार को बचाने के चक्कर में संतुलन खराब हो जाने के कारण कई पलटे खाकर खेत में पलट गई, जिसमें दूल्हे के पिता विनोद कुमार समेत परिवार के कई लोग सवार थे। हादसे के बाद बाईपास हाईवे पर चीख पुकार मच गई, जिससे कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें दूल्हे के मौसा पूरण सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये इधर से मुजफ्फरनगर की तरफ से गाड़ी आ रही थी और स्कूटरी वाला आया, उन्होंने ब्रेक लिए, ये इधर से फिर पलटे खा के इधर गेहूं में उल्टी हुई। स्कूटरी वाला किधर से आया? स्कूटरी वाला इधर से आया।